क्या भारत के मंदिरों पर अब नहीं रहा हिंदुओं का अधिकार? देश के मंदिरों पर आखिर क्यों है सरकार का कब्जा? हिंदू धर्म की खत्म होती धरोहर के लिए कौन है जिम्मेदार? नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी धर्म का कोई भी पूजा स्थल या कोई भी पवित्र स्थल किसी धर्म के लिए क्या और कितना मायने रखता है, ये समझना शायद हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। किसी हारे हुए मन को सहारा देने से लेकर किसी नाउम्मीद की उम्मीद बनने जैसे कई बड़े काम करते हैं ये पूजा और तीर्थ स्थल। ये तो हुई आस्था या विश्वास की बात, लेकिन अगर हम इससे हटकर इतिहास या प्रमाण की बात करें तब भी हम पाते हैं कि इन मंदिरों और तीर्थ स्थलों का हमारे समाज में एक विशेष महत्व रहा है। इतिहास में 400 ईसा पूर्व से मंदिरों के होने के प्रमाण मिलते हैं, जो बताते हैं कि मानव सभ्यता में मंदिर सदियों से बने हुए हैं। इतिहास में मंदिरों पर कोई पाबंदी नहीं थी, वे न केवल पूजा अर्चना के केंद्र थे बल्कि सामाजिक संगम और व्यापार का भी मिला जुला केंद्र बने। अब हम इतिहास में थोड़ा आगे जाते हैं। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में आया तब देश में मंदिरों का क्या महत्व था, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि अंग्रेजों के शासन के समय वो शहर ही सबसे ज़्यादा विकसित हुए जो तीर्थ स्थल थे या जहाँ मंदिरों की बहुतायता थी, क्योंकि मंदिरों के निकट गांव बसा करते थे। फिर वहां लोगों की बढ़ती आबादी उसे व्यापार के केंद्र में बदलने का काम करती थी। मतलब कुल मिलाकर हम अगर देखें तो मंदिरों का हमारी सभ्यता के विकास के हर पड़ाव में बड़ा महत्व रहा है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा और बड़ा सच ये भी रहा है कि भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुआ तो उसका सबसे अधिक प्रभाव भी इन मंदिरों ने ही देखा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबने हर तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी मंदिरों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी अगर हम देखें कि हमारे देश में मंदिरों की स्थिति क्या है या उनमें क्या बदलाव आया है, तो हम पाते हैं कि उनकी स्थिति अब और अधिक खराब यानी बद से बदतर हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण बताने से पहले आपको यहाँ ये बता दें कि देश में आजकल एक मुहिम चल रही है भारत के मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने की। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो इसे पूरी तरह समझिए। सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ये नाम वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये उन गिने चुने संतों में से हैं जिनका देश के युवाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। उनकी हर विषय पर अपनी राय और युवाओं के हर संदेह का जवाब देने के कारण वो आज युवाओं के बीच इतने लोकप्रिय हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव हमारे देश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बकायदा एक अभियान भी चलाया है, मिस्ड कॉल अभियान। हालांकि ये अभियान सिर्फ अभी तमिलनाडु राज्य में ही चलाया जा रहा है, लेकिन सद्गुरु की लोकप्रियता और उनके इस मुहिम की तेज रफ्तार को देखकर ये साफ है कि जल्द ही इसका व्यापक असर होगा और पूरे देश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस पूरे मामले के बाद जो सवाल उठता है वो ये कि आखिर सद्गुरु ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और इससे भी बड़ा सवाल यहाँ ये कि देश के मंदिर आखिर सरकारी नियंत्रण में क्यों है। तो आइए एक एक कर इन सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सद्गुरु के अभियान के पीछे क्या कारण है। तो सद्गुरु अपने इस अभियान के लिए कई महत्वपूर्ण तर्क और प्रमाण पेश कर चुके हैं। वो लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से इस बारे में वीडियोस और फोटोज शेयर करते रहते हैं। उन्होंने इस अभियान के तहत कई आंकड़े भी साझा किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि देश में मंदिरों की आज हालिया स्थिति किस हद तक गिरी है। अब सवाल ये है कि आखिर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों है? क्या इस देश में मस्जिदों, गुरुद्वारों या चर्चों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है? तो जवाब है नहीं। इसका रखरखाव इसके समुदाय के लोगों या उनके कुछ समूहों द्वारा किया जाता है।
हमारे देश में केवल हिंदू पूजा स्थलों पर ही सरकारी नियंत्रण है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत देश में हिंदू मंदिरों का रखरखाव सरकारी नियंत्रण में किया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर आए दिन इतना हो हल्ला मचाया जाता हो, वहां हिंदू धर्म के साथ इस तरह का भेदभाव आखिर क्यों? जब हम हर बात पर भारत के सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हो, तो आखिर एक सेक्युलर राष्ट्र में ये भेदभाव किस प्रकार से सही है? बहरहाल, इससे इतर अगर हम मंदिरों के रखरखाव में आई कमी की बात करें, तो इस विषय पर देश की न्यायपालिका भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुकी है। 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना था कि मंदिरों की देखरेख के लिए बनाए गए सरकारी बोर्ड मंदिरों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके अलावा यूनेस्को भी इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। 2017 में आई यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के प्राचीन मंदिर आज अपने धरोहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका अस्तित्व आज खतरे में है। कहीं मंदिर के परिसरों में अवैध निर्माण किए जा चुके हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया था कि हजारों वर्ष पुराने मंदिरों की प्रतिमाएं बिना किसी सुरक्षा के पड़ी हुई हैं। यानी हिंदू समुदाय आज अपनी धरोहर को बचाने में पूरी तरह नाकाम है। ऐसे में अगर कोई इस तरह का अभियान लाया है, तो उसका समर्थन ना सिर्फ हमारी लगभग खत्म हो चुकी धरोहर को बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि इस देश में हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए भी ये अभियान बेहद जरूरी है। अब बाकी धर्म के धार्मिक स्थल सरकारी बंदिशों से आजाद है, तो हिंदुओं के साथ इस तरह का भेदभाव आखिर क्यों? सवाल कीजिए खुद से और फिर विचार भी, और आपके विचार हमारे साथ कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अगली स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।